नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायर का कोविड बुलेटिन। इस बुलेटिन में हम आपको कोरोना वायरस से जुड़ी तमाम अपडेट्स देंगे। 16 मई 2021 को भारत में 2,80,000 से ज़्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए और 4,106 लोगों की मौत हो गई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ये देश के लिए काफ़ी अच्छा दिन रहा, क्योंकि 21 अप्रैल के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब देश में 3 लाख से कम मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी सोमवार को करीब एक महीने बाद देश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में गिरावट पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा, आज कोविड 19 के नए मामलों के मुकाबले ठीक होने वालों की संख्या करीब 1 लाख से अधिक रही, जहां नए मामले करीब 2,81,000 आए। ये बात उन्होंने एंटी कोविड दवा 2DG की पहली खेप जारी किए जाने के मौके पर कही। पहली खबर वाराणसी से, जहां वाराणसी जिला प्रशासन ने 14 निजी अस्पतालों को सरकार द्वारा निर्धारित दरों की अवहेलना करने के कथित तौर पर कोविड रोगियों से अधिक शुल्क लेने के चलते नोटिस जारी किया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार वाराणसी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीवी सिंह ने कहा कि संबंधित अस्पतालों के अधिकारियों को 2 दिन के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है कि वे सरकार द्वारा निर्धारित से अधिक शुल्क क्यों ले रहे थे। उन्होंने कहा कि इन अस्पतालों द्वारा मरीजों से अधिक शुल्क वसूलने के कई शिकायतें मिली हैं। हालांकि नोटिस में उतना उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन यह समझा जाता है कि अधिक शुल्क की शिकायतें कोविड और गैर कोविड दोनों मामलों से संबंधित है। सूत्रों ने कहा कि अगर अस्पताल के अधिकारी 2 दिनों के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं तो उन्हें जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए जिला प्रशासन ने सभी अस्पतालों को कोविड रोगियों को उपलब्ध कराए जा रहे उपचारों की दर सूची उपलब्ध कराने को कहा है। हाल ही में सभी अस्पतालों ने रोगियों से वसूल की जाने वाली दरों का विवरण देने वाली सूचियाँ प्रदान की। CMO ने कहा कि यह पाया गया कि 14 निजी अस्पताल सरकार द्वारा निर्धारित दरों से अधिक शुल्क ले रहे थे। वाराणसी के जिन अस्पतालों को नोटिस भेजा गया उनमें कुछ वहां प्रमुख अस्पताल हैं। अभी हमने CMO की बात करी, अब सुनिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को। वर्तमान में हम इस सेकेंड वेव को फेस कर रहे हैं, स्थिति वर्तमान में नियंत्रण में है। पिछले 10 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना के एक्टिव केस 85,000 कम हुए हैं, यानी हमारे पास सेकेंड वेव में 30 अप्रैल को सर्वाधिक एक्टिव केस थे 3,10,000 और आज जो सुबह के आंकड़े हमारे सामने हैं वह हैं 2,25,000 एक्टिव केस वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। मोटा मोटा समझें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कोरोना की सेकेंड वेव भी कंट्रोल में आ गई है, और कितना कंट्रोल में ये वेव आ गई है उसके लिए आप ये दूसरा वीडियो देखिए। सीएम को फोन लगाया था वो कुछ नहीं करता, कल भी लगाया, आज भी लगाया, CMS को लगाया, सबको लगाया, कुछ नहीं हुआ। और ये नर्स इधर जो है कि वो अपने परिवार का सदस्य रखे है बगल में, उसकी पूरी केयर कर रही है, पूरी केयर कर रही है बगल के रूम में, दिन भर इलाज करती है, खून चढ़ा रहा है, इंजेक्शन चढ़ा रहा है, सब चढ़ा रहा है, और यहाँ किसी को देखने में आती है खुद ही इंजेक्शन लगा लो, खुद ही दवाई कर लो, कोई आदमी नहीं आ रहा। तो फिर एक इंजेक्शन लगाया, पता नहीं क्या लगा के गए, उसके बाद ही इनकी पल्स और की प्रॉब्लम हो रहा है। इनके सबसे बच्चा है, भाई समझ रहे हैं, तब कोई नहीं देखो हालत देखो, ये दिया नहीं होता, पैसा खा रहे हैं। अब क्या कहा जाए, हम पूरे अस्पताल में चार दिन से चक्कर लगा रहे, कुछ नहीं मिल रहा है, सही भटक रहे। ये वीडियो झांसी के अस्पताल से है, जहां एक मरीज अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और उसे बचाने के लिए कोई भी डॉक्टर या नर्स मौजूद नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ना जाने कौन से प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जहां स्थिति कंट्रोल में आ गई है। उत्तर प्रदेश के हालात आज की तारीख में इतने खराब हो गए हैं कि भाजपा सरकार के खुद के विधायक बोलते हैं कि राज्य सरकार के खिलाफ बोलने पर उन्हें राजद्रोह के मुकदमे का डर लगता है। NDTV की रिपोर्ट के अनुसार राठौड़ ने यह भी आरोप लगाया कि यूपी सरकार के कामकाज में विधायकों की कोई भी भूमिका नहीं है और उनके सुझाव पर ध्यान नहीं दिया जाता है। राठौड़ सीतापुरी से विधायक हैं। उन्होंने कहा, मैंने कई कदम उठाए लेकिन विधायकों की हैसियत क्या है, अगर मैं ज़्यादा बोलता हूँ तो मुझ पर देशद्रोह का आरोप लग सकता है।
राठौड़ सीतापुरी में एक सरकारी ट्रोमा सेंटर के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में ये कहते हैं, जिसका निर्माण तो हुआ है लेकिन अभी तक चालू भी नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने देश के सबसे बड़े राज्य की आज जो हालात की है वो शायद ही कभी हुई हो। वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनकी वजह से 1600 से ज़्यादा शिक्षकों व कर्मचारियों की जान चली गई है, जो पंचायत चुनाव में ना चाहते हुए भी ड्यूटी कर रहे थे। ये वही मुख्यमंत्री हैं जो कोविड की पहली वेव में अपने पिताजी के देहांत होने पर नहीं गए थे, और आज जब 1600 लोगों की उनके चुनावों के चक्कर में जान चली जाती है, भले ही उनकी सरकार अब इस चीज़ का मुआवजा दे या ना भी दे, लेकिन जो चला गया है उसके जाने का जिम्मेदार कौन है वो आप सभी को समझ आ रहा होगा। आखिर में भोपाल से सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का एक समझदारी भरा वीडियो देखिए। इस वीडियो में किए जा रहे दावों में कितनी सच्चाई है उस बारे में हम आप लोगों को पहले भी कई बार बता चुके हैं, और कई डॉक्टर साइंटिस्ट भी इस मामले में हम सभी को समझा चुके हैं, लेकिन कुछ नेता अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आते हैं और इस तरह की फिजूल बातें जनता के बीच फैलाने लगते हैं। तो ऐसी बातों से हमें बचना है। हमें सिर्फ एक ही बात ध्यान में रखनी है कि इस बीमारी का सिर्फ एक ही इलाज है, और वैक्सीन। इसलिए जल्द से जल्द वैक्सीन लगाइए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जितना हो सके घर में रहिए, सेफ रहिए, बाहर जाएं तो मास्क लगाइए। शुक्रिया। वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।